बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है मटन कीमे के पैटीज। ये पैटीज जो है बहुत अच्छे और बहुत लजीज बनते हैं और बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। आप इसे बर्गर के साथ या रगड़े के साथ या चटनी के साथ जैसे होगी। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम मटन लिया है, मटन कीमा लिया है, और ये जो हाथ का कुटा हुआ है। इसके अलावा दो प्याज है जिसे हमने स्लाइस में काट लिया है। अदरक लहसुन की पेस्ट है जो हम यूज़ करेंगे, आपको बताएंगे। दो चम्मच के करीब हमको कीमे में लगेगा और थोड़ा आलू में भी डालने के लिए लगेगा। ये काली मिर्ची है, मोटी मोटी कूट ली है हमने। ये चाट मसाला है, ये चाट मसाला भी आलू में और कीमे में दोनों में हाफ हाफ जाएगा। ये हरी मिर्चें हैं, इसको भी मोटा मोटा कूट लिया है। ये भी आधी जो है आलू में जाएगी और आधी कीमे में जाएगी। हल्दी है, हल्दी पाउडर कीमे में डालेंगे। मिर्ची है एक चम्मच, ये भी कीमे में जाएगा। और ये गरम मसाला भी कीमे में हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा नमक है, कॉर्नफ्लावर है, ये हम आलुओं के साथ में मिलाएंगे बाइंडिंग के लिए। और पुदीना है, फ्रेश पुदीना है, हरा धनिया है, एक लीमू है, एक लीमू में ज़्यादा या एक जितना लगेगा हम डालेंगे। एक मिर्ची है, इसे भी हम बारीक काट के आलू के साथ में मिक्स करेंगे। तो ये चीज़ें जो है हमको लगने वाली है। हमने यहाँ पर कुकर में ऑयल रख दिया है गरम के लिए। बहुत कम ऑयल लिया है हमने क्योंकि ये जो है फिलिंग के लिए बना रहे हैं हम कीमा, तो ज़्यादा अगर चिकना होगा तो ऑयल बाहर निकलेगा, इसलिए हमने बहुत कम ऑयल जो है इसमें डाला है। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। नज़र, ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें ये प्याज जो है डाल देते हैं। इसमें से आधी प्याज हम इसमें डालेंगे, आधी बचा लेते हैं, बाद में डालते हैं मसाला भुने। क्योंकि कच्ची प्याज जो डाली जाती है ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी प्याज हमने बचा लिए, इसे भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। सबसे पहले तो डालेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन का थोड़ा पेस्ट डालना है हमको कीमे के हिसाब से, ये तकरीबन 1 चम्मच और 2 चम्मच 2 टीस्पून हमने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसमें से आधी हरी मिर्च यानी कि हम आधा चम्मच हरी मिर्च डालते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो कर देते हैं। अभी हल्दी पाउडर और अब इसमें हम कीमा डालते, लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, नमक भी अभी हमें कम ही डालना है क्योंकि नमक बाद में हम आलू में मिलाएंगे। थोड़ा सा हाथ से ही हम डाल देते हैं नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्ची, चाट मसाला और गरम मसाला ये हम बाद में मिलाएंगे। अभी ये जो प्याज हमने बचाई थी ये प्याज हम मिला देते हैं इसमें। थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे, थोड़ा सा डालेंगे पानी और उसे पकने के लिए रख देंगे, गलने के लिए छोड़ देंगे। ये गल जाएगा, उसके बाद में हम ये सारे मसाले मिलाएंगे। जब तक हम आलू को कद्दूकश कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी हम डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसके पानी में ये गल जाएगा और ये प्याज भी जो है ये गल जाएगी और पूरा बहुत अच्छे से मैश हो जाएगी। तभी हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं, 2 सीटी लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमारा ये कीमा जो है बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और बिल्कुल अच्छे से गल भी गया है। प्याज भी इसमें की जो है बिल्कुल गायब हो गई है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो गरम मसाला हमने रखा है ये गरम मसाला डाल देते हैं। थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालते हैं, ये चाट मसाला, आमचूर पाउडर नहीं है, चाट मसाला है, ये हम थोड़ा डालते हैं। नमक हमने डाला है कीमे में, अभी नमक हम नहीं डालेंगे, नमक डाल चुके हैं। और ये काली मिर्ची पाउडर जो है इसमें से हाफ डालते हैं,
कि हमको हाफ जो है उसमें आलूओं में यूज़ करना है। गैस ऑफ करके ही हम सब मिला रहे हैं और इसमें से पुदीना जो है हम थोड़ा सा बचा लेते हैं, बाकी का डाल देते हैं इसमें। हरा धनिया भी थोड़ा सा बचा लेते हैं, बाकी का इसमें डाल देते हैं। और ये हरी मिर्च, एक मिर्च काटी है, ये भी डाल देते हैं। थोड़ा सा नींबू का रस डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है, हाफ से भी कम, पाँव चम्मच इतना हमने नींबू का रस डाल दिया है। तो ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम आलू को तैयार करते हैं। आलू को हमने कद्दूकश कर लिया है, ये आलू हमारे कद्दूकश हो चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, इन आलूओं में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये एक चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, और दरदरा ही हमारा, ज़्यादा पीसा, बारीक पीसा हुआ नहीं है। और ये हरी मिर्च हम जो बचाई थी, ये तकरीबन दो हरी मिर्चें होंगी, तो ये हरी मिर्च ये डाल देंगे। इससे क्या होता है कि आलू जो है फीके फीके नहीं लगते, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और ये काली मिर्ची जो है ये भी हम डाल देते हैं, थोड़ी सी ही डाल रहे हैं। आलू में ज़्यादा मिर्ची नहीं जाती है, मिर्ची बहुत तीखा लगता है, ज़्यादा तीखा लगता है। पहले हम ये चाट मसाला डालते हैं और फिर नमक डालेंगे, क्योंकि अगर पहले हमने नमक डाल दिया तो हो सकता है कि नमक हमारा ज़्यादा हो जाए। ये हरा धनिया और ये पुदीना, ये भी हम इस पर डाल देते हैं। ये थोड़ा सा नींबू का रस, जो आधा है, आधे का ही हमने, आधा जो है कीमे में डाला है, आधे में से थोड़ा, और थोड़ा सा इसमें मिला रहे, बहुत खट्टा नहीं बनाना है। और ये जो मिर्ची हमने लाल वाली पकी हुई मिर्च थी, वो अगर आप चिली फ्लेक्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, तो हम ये डाल देते हैं इसमें। और ये कॉर्नफ्लावर, ये कॉर्नफ्लावर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, इतना मिला लेते हैं हम, और फिर देखते हैं कि उसकी बाइंडिंग सही हो गई है तो और नहीं डालेंगे, और अगर लगा तो ज़रूरत लगी हमको तो हम थोड़ा सा इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक भी बाद में चख के मिलाते हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें आमचूर पाउडर डाला है, सॉरी आमचूर पाउडर नहीं, चाट मसाला डाला है। थोड़ा नमक हम डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर चख लेंगे, अगर लगा ज़रूरत लगी तो और डाल देंगे, वरना यही काफ़ी हो जाएगा। अब इसको अच्छे से मैश करते हैं, अच्छी तरह से गूंद लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये हमारा जो है आलू बिल्कुल तैयार है, और यहाँ पर फिलिंग भी हमने तैयार कर ली है। अब क्या करते हैं, हम हाथों में अपने थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं आप, लेकिन पानी लगा रहे हैं हम। और इसका एक पोर्शन ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ही पोर्शन लेना है, और पेड़ा जैसा बना लो उसको, और उसके बाद में उसको हाथ पे, हथेली पर अच्छे से जितना फैला सकते हैं उतना फैला लेंगे। पानी लगाते जाएंगे थोड़ा हाथों को, और फिर इसमें से जो फिलिंग है वो रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है, और इसको फोल्ड कर देंगे, अच्छी तरह से फोल्ड करना, ताकि ये फिलिंग जो है बाहर ना निकले। वैसे थोड़े बाहर निकलेगी भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इससे शैलो फ्राई ही करने वाले हैं। अच्छा सा एक टिक्की का शेप दे देंगे और उसे पानी की मदद से बंद कर देंगे। तो ये हो गया तैयार, ऐसे ही हम सारे बना लेते हैं। एक और बना के दिखाते हैं आपको। थोड़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी ही टिकिया बनती है ये। वैसे अगर आप फिलिंग कम डालोगे तो आपको छोटी भी बनाओगे तो चलेगा। इस तरह से हम सारी बना लेते हैं और फिर आपको फ्राई करके बताते हैं। नाज़रीन, हमने यहाँ पर ये पैटीज बना लिए हैं, और ऑयल भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा पैन में डाल के रखा है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। और अब हम इसको क्या करते हैं, एक करके सेकने के लिए रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी फ्लेम बिल्कुल लो है, लो फ्लेम पर ही करना है,
ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से सीख जाए। सीखने के लिए टाइम लगता है इसको, थोड़ा 5 से 7 मिनट लगेंगे एक साइड होने के लिए। ज़रूरत लगी तो हम साइड साइड से थोड़ा थोड़ा ऑयल और डालेंगे और इसे अच्छी तरह से सेक के फिर आपको दिखा। नाज़रीन, ये हमने थोड़े से पलट लिए हैं, आपको पलट के दिखाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी नहीं पलटना है इसको, एक तरफ से हो जाने देना है फिर ही पलटना है, वरना टूटने का डर होता है। टूटेंगे तो नहीं लेकिन इसमें होल हो जाएगा, ख़राब दिखेगा, उसका शेप खराब होगा। इसके लिए इसको अच्छी तरह से होने दें, उसके बाद ही इसको पलटें। ये पलटे थे हमने तो बिल्कुल बहुत अच्छे से नहीं हुए हैं, इसको होने देते हैं और 5 से 7 मिनट लगेगा। उसके बाद बिल्कुल स्लो पे ही हम इसको सेक रहे हैं और अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब निकाल के आप। नाज़रीन, हमारे ये जो है पैटीज बहुत अच्छे से सीख के तैयार है और हमने उलट पलट के इसको अच्छी तरह से सेक लिया है। टाइम लगा थोड़ा, कम से कम 20 मिनट इसको लगे सेकने के लिए दोनों साइड से अच्छी तरह से। और इस तरह से सेकोगे तो ज़्यादा अच्छे से अच्छे लगेंगे, मतलब टेस्ट में अच्छे लगेंगे। अब हम इसे क्या करते हैं, डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, ये हमारे बहुत ही अच्छे से पैटीज तैयार है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी मखसूस दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।